ही बनाई। तो एग्जैक्टली ये इनसे गलती हुई असल में। इसमें आगे भी तो उसमें अच्छाई का भी तो वर्ड होगा। नहीं, हमको अच्छाई से प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, हम एतराज उस नहीं, मैं बात तो से बुराई की करते हैं बात जो कर रहे हैं ना, गलत। हम तो बुराई की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर बुराई पकड़ने पे इंसान आए तो सिर्फ बुराई दिखेगा उसे, अच्छाई तो नहीं नजर नहीं आएगी। तो नहीं, अच्छाई भी अच्छाई तो बताइए आगे अजहर आगे का। भाई देखिए, अच्छाई आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं, अच्छाई से तो हमको एतराज ही नहीं है ना, तो उस पर क्यों सवाल करेंगे। देखिए, एक बंदा जो है वो 100 लोगों को जो है वो खाना खिला दे, 100 लोगों को घर बना दे, लेकिन वो साथ में रेप भी करे, तो जो रेप किया है उसने उस पर तो सवाल उठाया जाएगा ना। आई एम सॉरी बाबू। आप समझ रहे, नहीं, बुराई का बनाने हाँ वाला भी सही। अल्लाह है, बुराई का बनाने वाला भी अल्लाह है। जो बुराई बनाता है, जिसके जरिए से बुराई बनाई गई है, जिसकी बुनियाद पे लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उस पे भी उठेगा और सजा उसको भी मिलनी चाहिए। एडम, आपका स्वागत है, वेलकम है, आदाब। सर थैंक यू। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अदर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। हाँ, बस हाल अलहमदुलिल्ला है। अच्छा अजहर भाई, थोड़ा सा मसला आप कर रहे थे, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, उसके बाद आप लोग अपनी डिस्कशन जारी रखिएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है और ये कहती है कि अल्लाह मैसेंजर ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इंसानियत गुनाह ना करती, अगर इंसान गुनाह ना करते तो अल्लाह उनको ख़त्म कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, सफाई हस्ती से मिटा देता और फिर एक नई तख्लीक करता जो के गुनाह करती और फिर अल्लाह से माफी मांगती और फिर अल्लाह उनको माफ कर देता। ये सही मुस्लिम में भी है और ये रियादुस सालेहीन के अंदर भी है, ठीक है? और सही मुस्लिम रियादुस सालेहीन दोनों में ये एज ए सही हदीस है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो अल्लाह तुमको खत्म कर देता और कुछ और लोग पैदा करता जो कि गुनाह करते और फिर उस गुनाह की माफी मांगते और फिर अल्लाह उनको माफ कर देता। तो अल्लाह मियाँ जो है हमारे, उनकी बेसिक लॉजिक ये है कि उन्हें पसंद है कि हम उनसे माफी मांगे और इसलिए हमें गुनाह की खसलत पर बनाया गया है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह मियाँ ने ही हमें गुनाह करने वाला बनाया है, वरना अगर वो हमें गुनाह करने वाला ना बनाता तो वो हमें खत्म कर देता और नई मखलूक बनाता जो कि गुनाह करने वाली होती। बाकी तमाम आर्ग्यूमेंट साहिल भाई के हैं, आप बात करें सर। मैं सिर्फ ये फिक्स करना चाहता था, मैं म्यूट हो रहा हूँ वापस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडम। देखिए अजहर भाई, आपके सामने कुछ हदीसों के हवाले भी दिए हैं जिससे, और ताहिर भाई ने भी आपको कुरान की एक आयत बताई है जिससे बिल्कुल वाजे तौर पे पता चलता है कि अल्लाह तो चाहता है कि लोग गुनाह करे, वरना वो ये कहता है कि मैं तो फिर उसको खत्म कर दूंगा और दूसरे ऐसे लोगों को लेके आऊंगा आपके सामने दुनिया में जो गुनाह करेंगे, और वो जब माफी मांगेंगे तो उसको माफ कर देगा। आप सोचिए कि ये क्या, ये क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं लग रही आपको अल्लाह की नहीं, इन इसका हदीसों में? देखिए, नहीं, इस तरीके से ये गलत निकाला जा रहा है। वो उनका एक्चुअल में तर्जुमा जो होता है बहुत, एक 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 मैं बात बता रहा आपको। जैसा एक चीज होती है, एक एक समंदर है, समंदर के अंदर एक हीरा है, हीरा है भाई, इसको ढूंढना है। जब गोताखोर समुंदर में जाता है वो बहुत सारी जगह पे हीरा ढूंढेगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है वो एक मुफ्ती बता सकता है कि इसका तर्जुमा असल में क्या है। उसी तरीके से मोती जैसा ढूंढने जा रहा है, वो समुंदर बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेगा, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है मोती, वो एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ इंसान बता सकता है। उसी तरीके से मुफ्ती, जो मुफ्ती साहब होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं, वही पूरे तरीके से हदीस का मफहूम पूरा बता सकते हैं कि मफहूम असल में एक किस चीज के लिए नाजिल हुआ था, किस वजह से हुआ था, अच्छा किस वक्त पे नाजिल हुआ था। तो ये ऐसे तरीके से नहीं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि तुम अगर उसको, अगर नजरिया वो लगा के रखे हो कि इनका फोल्ड पकड़ना है तो फोल्ड ही नजर आएगा आपको, उसमें अच्छा एक बात आपको बोलूं और अजहर भाई, दूसरी चीज नजर आएगी। हाँ बोलिए। असल अजहर भाई, ये जो तर्जुमा जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये उलमा का तर्जुमा है, हमारा तर्जुमा नहीं है। हाँ
सही बात है, आप हम बना भी नहीं सकते हैं कोई हदीस भी, हम अपनी हम एक मक्खी का पर नहीं बना सकते, तो हदीस और कुरान कहाँ लिख सकते, वो सवाल ही नहीं होता है। ये है, लेकिन इसका तर्जुमा और तरीके से निकाला गया, इनको गलत चीज पे अगर उस पे पकड़ के बैठे हैं तो गलती सब हर लाइन गलती नजर आएगी। तो कुरान में आपको हदीसों में खाली क्या गलती वर्ड दिखा है, अच्छा वर्ड आपको अच्छा हदीस नहीं मिला अल्लाह पाक की, कि अल्लाह पाक ने गुनाहों से रोकने के लिए कोई हदीस अच्छा नहीं मिली आपको? अच्छा अच्छा एक एक चलो, आप असल में बहुत नहीं बोले बता हो लीजिए, सर भाई। हदीसें ऐसी है बहुत सारी, 7,000 से कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर अजहर भाई हदीसों में अगर आपको अच्छाई चीज आपको ढूंढनी, तो थोड़ा क्या रुक जाए, अच्छी वाली हदीस आपको नहीं मिली? थोड़ा रुक जाए सर भाई। असल में है ना, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ कि आप बहुत भोले हैं, आपकी सोच काफी भोली सी है। मुझे एक बात बताइए, आप एक काम करिएगा, ये जो हदीस के जो नंबर्स है वो आप लेके जाइएगा, इस पे थोड़ा तहकीक करिएगा, आपके उलमा आपको इस पे क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये कह रहे थे कि बुराई अल्लाह ने नहीं बनाई है, फिर आपको हवाला दिया गया कि बुराई बनाने वाला भी, ये सिफत डालने वाला भी अल्लाह ही है, और इस हदीस की रोशनी में तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अल्लाह तो चाहता है कि बुराई करे इंसान। लेकिन आप इस पे तहकीक करिएगा, मैं आपको और थोड़ा और आसान तरीके से मैं समझाना चाहूंगा या सवाल करना चाहूंगा, उसका आप जवाब दे दीजिए। मुझे एक बताइए कि अजहर शेख जो है ये काफी अच्छा इंसान मुझे लग रहा है। अच्छा अजहर भाई, आपके सामने कोई बच्ची का कोई रेप करेगा, ठीक है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे जो सभी करते हैं बचाएंगे ना, बचाने की कोशिश एग्जैक्टली, क्यों करेंगे, बचाएंगे आप, क्यों बचाएंगे? क्योंकि क्योंकि मतलब इंसान हूं मैं, ठीक है, मैं हाँ इंसान हूं, ओके, तो एक दूसरे को इंसान को ही पहचान बचाएगा ना, इंसान इंसान को बचा सकता है, इंसान फरिश्तों को तो नहीं बचा सकता है। आप अगर आपके सामने किसी बच्ची का कोई रेप करने जाएगा और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप जरूर बचाएंगे उसको, अगर आपकी कुदरत में होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास एक पावर अगर दे दी जाए कि वो इंसान जो रेप करने वाला है वो आपको पता चल जाए कि ये रेप करने वाला है, और आपको ऐसी पावर दे दी जाए कि आप वो रेप होने ही ना दे, यानी वो नौबत ही नहीं आने दे कि उसका रेप हो, तो आप करेंगे वैसा वो पावर का यूज करके? क्योंकि जरूर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? आप एक अच्छे इंसान है ना। अब यही हाँ चीज आप हाँ सोचिए, जो बच्ची का रेप हो रहा है क्या अल्लाह को मालूम है क्या नहीं है कि ये रेप होने वाला है, मालूम है या नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। हाँ बेशक अल्लाह को सब पता है, अच्छा, बेशक। दूसरी बात, क्या अल्लाह के पावर में है कि उस रेप को अल्लाह रोक देता? बेशक रोक है सकता है, पावर में? लेकिन अल्लाह पाक को नहीं। मैं बता एक रही मिनट एक मिनट एक अगर मिनट एक मिनट एक मिनट, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। तो रोक अल्लाह पाक सकता के है पास अल्लाह? तो नहीं, अल्लाह पाक के पास सब ताकत है, अल्लाह पाक के ऐसे बेशक उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक तो कर्बला ठीक के है, मैदान में इमाम एक हुसैन को मिनट, भी कत्ल से रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ये उम्मत को हाँ एक बताना मिनट था इसीलिए एक नहीं मिनट रोका। एक तो मिनट, बहुत सारी अरे चीजें रुको होते हैं जो यार, हम अल्लाह के दस्ते कुदरत को नहीं समझ सकते हैं। एक मिनट रुको ना यार, अब इतना तो साबित हो गया है कि दो पर्सनालिटी है मेरे सामने, एक अल्लाह है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे अपना, क्या नाम है तुम्हारा, अजहर भाई, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे। ताकि आपको भी समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, दो पर्सनालिटी हमारे पास, एक अल्लाह है, ठीक है, और एक हमारे अजहर भाई है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह को मालूम है रेप होने वाला है, ठीक है, और अजहर भाई को एक पावर मिल गई कि उनको भी पता चल गया है, अजहर भाई को भी मालूम है रेप होने वाला है, अल्लाह के पास भी पावर है, के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, वो रोक सके, अजहर भाई के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, ठीक है,
अल्लाह से और एक इंसान मिनट से एक हम मिनट मिला नहीं सकते ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। क्योंकि अल्लाह ने हमें कंफ्यूजन, बनाया, हमने अल्लाह को नहीं बनाया है, तो हम अरे उनके रुको यार, पावर से हम नहीं बता सकते हैं। एक मिनट रुको ना मेरे भाई। कंक्लूजन देखो, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अजहर भाई इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको अगर ये पावर मिल जाता तो वो रेप नहीं होने देंगे। लेकिन अल्लाह के पास पावर होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद, वो उस रेप को नहीं रोक रहा। आप बताइए, आप ज्यादा अच्छे के अल्लाह ज्यादा अच्छा? बेशक अल्लाह ही सबसे अच्छा है। अल्लाह अच्छा है फिर भी? हाँ बेशक, उसने कोई भी निजाम कोई भी गलत नहीं बनाया है, इंसान ने उसको गलत किया है। अल्लाह ने कोई भी चीज को गलत नहीं बनाया है, ना गलत तरीके से यूज करने दिया था, इंसान ही ने उसको खराब किया है। अच्छा मुझे अल्लाह ये कोई बताएं, कभी कोई चीज खराब खराब नहीं बनाता है। अच्छा मुझे ये बताएं आप अजहर भाई, कि एक एक पुलिस है, ठीक है, उसके सामने रेप हो रहा है, और अगर वो उसको ना रोके, उसके इख्तियार में है कि वो रोक सकता है, वो ना रोके, तो क्या वो पुलिस वाला भी जिम्मेदार है? ना रोके तो जिम्मेदारी होगा, सही तो बात है। अल्लाह क्यों नहीं जिम्मेदार है? अगर वो भी रोक सकता है और नहीं रोक रहा है, तो ये अल्लाह जिम्मेदार क्यों नहीं है? और क्यों अच्छा अल्लाह है वो? क्योंकि ये रेप करने की जो अल्लाह सिफत नहीं, है, एक मिनट, ये जो रेप करने की जो सिफत है, ये डालने वाला भी अल्लाह ही है। बचने वाला भी तो अल्लाह ही ने बताया ना कि अगर गलती कहाँ हो भी बचा जाए रहा है? तो तुम लेकिन बचो। है कहाँ बहुत सारी बचा दिया कुरानों में बहुत अल्लाह? सारा जिक्र है कि तुम कर लो, गलती हो जाए तो तुम उनसे माफी भी मांगो। नहीं, माफी मांगने से क्या होगा? रेप तो हो गया ना, उस बच्ची को रेप करके मार दिया गया ना, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? ये कौन सा लॉजिक तो है यार? उसका तो अल्लाह तो उसे उसका रेप हो गया, मर गए, जो भी हो गया, तो वो अल्लाह उसका हिसाब लेगा ना। हम नहीं, आप तुम लेकिन नहीं ले सकते ना अल्लाह खुद, हिसाब। भाई अल्लाह तो खुद जिम्मेदार है ना, कि उसने ही ये सिफत डाली ना रेप करने की। अगर रेप करने की सिफत ही नहीं डालता, तो ये बेचारी बच्ची का रेप नहीं होता ना। इतनी बात नहीं समझ में आ रही अजहर भाई आपको? नहीं, अगर जो बच्ची का रेप कब होता, जब उसके अंदर पूरी तरीके से अगर अल्लाह का डर नहीं होता, अगर डर होता, डर होता डर अगर तो अल्लाह का ये उसका, तो वो भाई, रेप नहीं करता, रेप साहिल ही भाई नहीं वन करता मोर, ना अगर वो डर अल्लाह। साहिल भाई यस वन एडम मोर, भाई, वन मोर थिंग दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों की डिस्कशन फिर सही साइड पे चली जाए। मेरी स्क्रीन दिखाइए सर। ये सही मुस्लिम की हदीस है, 2658 का ए पार्ट है। ये कहती है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फिक्स कर दिया है पोर्शन ऑफ एडल्ट्री विच अ मैन विल इंडल्ज इन। के जरा इसकी हिंदी कीजिएगा सर, साहिल भाई जरा, के हर बंदे के शख्स में एडल्ट्री कमिट करने का पहले से ही अल्लाह ने डाल दिया है कि एक बंदा इतनी दफा एडल्ट्री करेगा इस दुनिया में। हाँ, यही है इसका आसान आसान लब्जों में यही अगर है कि अगर अगर अल्लाह ने, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे अगर सही कहा है, फरमाया है कि हाँ अल्लाह ने बेशक डाला है, लेकिन उसमें अगर तुम वो नहीं होता तो हम इंसान कैसे पैदा होते। हजार भाई जब आप बोल रहे होते हैं हजरत, मैं हम लोग खामोश होते हैं। जरा एक दफा पढ़ लेने दे, फिर आप बोलिएगा, प्लीज दीजिएगा। जी साहिल भाई, हाँ, इसका मतलब ये है, अल्लाह फिक्स द वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री विच अ मैन विल इंडल्ज। अल्लाह ने खुद ये इंसानों के अंदर डाला है एक हिस्सा, कि वो अडल्ट्री करेगा, यानी जो गलत काम होता रेप और बगैर है, इजाजत के जिना सेक्स और जिना जिना करेगा। जिना जिना अच्छा, करेगा, फिर आगे ये अल्लाह अल्लामिया ने कहते डाला हैं, है। हाँ फिर आगे अल्लामिया कहते हैं, देयर वुड बी नो एस्केप फ्रॉम इट, उससे कोई बच ही नहीं सकता है। ये नहीं है कि मैं तोबा कर लूं तो एक बच जाऊंगा। एक एक हजरत एक मिनट, सेकेंड, मैं आपको रोकना हजरत चाहता हूँ। हजरत हजरत, नहीं रोके, नहीं, मुझे हदीस खत्म कर लेने दे, फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक है सर, प्लीज इजाजत दे दे, मैं जरा पढ़ लूं फिर। देयर वुड बी नो आगे की एस्केप लाइन बढ़ फ्रॉम इट। जाएगी तो मैं भूल जाऊंगा। सुनिए सर आप लिख लें, एक सुनिए, मैं सेकंड पढ़ आगे की लें। लाइन अगर बढ़ा देंगे तो मैं भूल जाऊंगा पुराना। देखिए, अगर ये जो कहा गया है, अल्लाह ने आपके लिए सेक्सुअलिटी जो एडल्ट्री बता रहे हैं, ये अल्लाह बेशक डाला है। ये किस लिए डाला है? तुम अपनी नस्लें आगे बढ़ाओ, ना कि गलत काम के लिए सर बढ़ाने के लिए कहा एडल्ट्री गया है। से न तो कोई ऐसा इसमें सर एडल्ट्री से जिना से नस्लें आगे नहीं बढ़ाते, शादी से बढ़ाते हैं सर। प्लीज खुदा का खौफ करें, अपने अल्लमिया का खौफ करें सर, प्लीज ऐसे ना करें सर। जिना जिना से आप नस्ल आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि जिना की अगर औलाद हो तो आपके मेजर मुफस्सरीन कहते हैं कि जिना की औलाद नहीं, के मैं साथ आप जिना से नहीं शादी कह कर रहा था, सकते। मैं जिना से सर नहीं ये कहना जिना चाहता है था, मैं ना, जिना से नहीं कहना चाहता था। ये बात ही हाँ, जिना की इसमें हो रही लिखा है। हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं जिना से नहीं बता रहा। मैं कह रहा था कि
उसकी बात जो नहीं हम अपनी कर रहे हैं, शादी करते हो हम उसके शादी वाले बिल्कुल। सेक्स हाँ की, सर शादी वाले सेक्स की इस हदीस में बात ही नहीं हो रही, हाँ हाँ इस ठीक हदीस में ठीक बात जिना की हो रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टिक ठीक टू ठीक जिना, ठीक ठीक है। जिना, रेप, आउट ऑफ मैरिज सेक्स, ये उसकी बात हो रही है। और अल्लाह मियां कह रहे हैं कि मैंने जिस जिस बंदे के अंदर ये चीज फिक्स करके लिख दी है ना, वो उससे बच भी नहीं सकता है, ये बात हो रही है। साहिल भाई अब आप कंटिन्यू करें उनके साथ। अजहर भाई देखिए, मैं चाहूंगा कि आप जरा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जरा इन बातों पे गौर करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस अल्लाह को मान रहे हैं वाकई में वो एक अच्छा अल्लाह, एक अच्छा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ये सब चीज फिक्स कर रहा है। उसने बुराई की सिफत उसने खुद डाली है, वो खुद ये खुद फिक्स कर रहा है कि इंसान जो है वो जिना करेगा, बच भी नहीं सकता। तो आप सोचिए मेरे भाई कि क्यों अल्लाह ऐसा चाह रहा है, क्या मिल रहा है उसको, क्यों तमाशा कर रहा है इस तरीके से, क्यों दूसरे की जिंदगियां खराब कर रहा है अल्लाह। आप सोचिए, तो आप बाकी अभी का अभी आपको दूसरी जवाब देने हदीसों की जरूरत में सुनिए, नहीं। दूसरी हदीस देखिए, दूसरी हदीसों में भी तो अल्लाह ने जिक्र ये भी तो किया है कि तुम अगर उनसे, अगर मैंने डाला है एक चीज गलती, तो उसमें तुमको बचना है, तुमको बचकर अगर तुम ना भी बच पाओ, गलती हो भी जाए, तो तुम उससे माफी मांगो, वो भी तो जिक्र है हदीसों में। अच्छा, सिर्फ मतलब आप ये कहना वो चाह रहे हदीसें हैं कि क्यों नहीं बताते हैं आप? एक मिनट, सिर्फ आप ये बताना चाह रहे हैं कि उसको माफी मंगवाने का इतना शौक है कि वो कह रहा है कि मैंने डाला है, तुम बच भी नहीं सकते, तुम जरूर बस जरूर ये गलत काम करोगे, लेकिन माफी मांग लो तो मैं देखो तुमको माफ कर दूंगा। इस अल्लाह को आप अच्छा मानते हैं बेशक अजहर भाई, माफ तो जिसके साथ ये गुनाह किया गया है उसकी क्या गलती थी, सोचो ना यार, क्यों नहीं सोचते आप लोग अजहर भाई? अपने माफी अल्लाह पाक मंगवाने ने के ये तो नहीं चक्कर बता, में कह रहा है ना यार, कह रहा है ना ये अल्लाह सामने है, माफी। सामने है, ये हाँ सामने है, ये पहले आपको दिखाई थी ना कि ये अल्लाह ये देखिए, चाहते वेर यू हैं। नॉट कमिट सिंस अल्लाह वुड क्रिएट पीपल हुड कमिट सिंस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। क्यों यार, क्यों तमाशा करना चाह रहा है अल्लाह यार? अजहर भाई थोड़ा गौर करो ना यार, क्यों नहीं नहीं सोचते यार आप लोग? ये नहीं, ये उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती हदीसों में, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर। पहली बात, हदीस गलत भी नहीं है और ना कुरान गलत है, कोई तरीके से कुछ नहीं गलत। अल्लाह गलत बेशक है अल्लाह ये इस अजहर अल्लाह भाई, नहीं, अल्लाह ने बनाया इस चीज के लिए, कोई तुम हमारे दिलों में वो गलत चीज आती है तो हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ही डाल लेकिन रहा है ना, ये अल्लाह डाल रहा है। देखो ना अल्लाह इधर नहीं, क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है अल्लाह, क्या चीज के लिए उकसा रहा है। देखिए कि अगर आप लोग गुनाह नहीं करोगे तो मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ऐसे लोग लेके आऊंगा जो गुनाह करेंगे। आप बताओ, आप अगर ये चाहते हो कि कोई किसी का रेप करे तो आप एक अच्छे इंसान है? नहीं, नहीं ना, तो अल्लाह कैसे अच्छा हो सकता है अजहर भाई? आप देखो, मुझे पता है कि अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप कोई मुश्किल नहीं, आप अभी जवाब मत दो, लेकिन आज जब रात में सो गए आप, तभी थोड़ा इस बारे में गौर करना कि आपका अल्लाह इस तरीके से क्यों कह रहा है। आप सोचना, और ये सोचना कि ये जो अल्लाह चाह रहा है कि गुनाह करे, ये गुनाह कोई गलत काम आपके घर वालों के साथ अगर कोई कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आप ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह तू ये अगर चाहता ही नहीं कि लोग गुनाह करे तो कम से कम मेरे घर वालों के साथ इस तरीके की नाइंसाफी नहीं हो। आप इस बातों पे गौर करिए। आपको हमने टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, आप देखते रहिए वीडियो, क्योंकि और भी मोमिन भाई हमारे जुड़े हैं। हो सकता है कि आप शायद सही से जवाब नहीं दे पाए, हो सकता है वो जवाब दे दे और सबका भला हो जाए, ठीक है सर भाई? ठीक। लेकिन आप इस बारे में सोचिएगा जरूर, ठीक है अजहर भाई जी? और हाँ एक ठीक एक है, सिर्फ ओके। मैं कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहूंगा आपको, और ताहिर भाई भी मेरे बात से अग्री करेंगे, क्योंकि आम तौर पे जिस तरीके का मिजाज हम बरेलवी हजरात में देखते हैं वो बिल्कुल आपकी तरह नहीं होता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा, यानी बात करने का उनका जो लहजा होता है वो भी बड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन आप एक बरेलवी होते हुए आपने इतने अच्छे से बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। ताहिर भाई कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर को लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजहर भाई, मैं तारीफ करता हूँ, आपने बहुत महज़्ज़ब तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, और सही कह रहे हैं साहिल भाई। मैंने भी आज तक देखा है ज्यादातर बरेलवियों को कि बहुत ज्यादा तैश में आ जाते हैं, तो अजहर भाई बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और मुझे उम्मीद है कि अजहर भाई यहाँ से जाने के बाद हमारी बातों पर गौर जरूर करेंगे, कुरान को निकाल करके और अहादीसों को निकाल करके, और अपने उलमाए कराम से इस बात पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। शुक्रिया अजहर भाई। शुक्रिया, जी बहुत बहुत अजहर भाई, शुक्रिया। जी स्टूडियो छोड़ सकते हैं आप।
नहीं, असल में वाकई में बहुत अच्छा इंसान है ये, और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपनी बात रखी, मतलब आई सल्यूट टू हिम। चलिए, वरना तो हमारा एक्सपीरियंस तो बरेलवियों के साथ काफी खराब सारा है। चलो, ये हमारे साथ कोई एक मॉडर्न मुस्लिम जुड़े हैं। अच्छा, समीर भाई भी जुड़े हैं। समीर भाई, आपका इस्तकबाल। जी, थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई। कैसे हैं आप लोग? जी, हम लोग ठीक है, आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। आप लोग कंटिन्यू रखें प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। जी, कभी ठीक है समीर भाई। कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। समीर भाई, जी जी मैं करूँगा, पहले आप ले लेने, इनसे बात करना। मॉडर्न मुस्लिम जी जुड़े हैं। अब ये किस तरीके के मुस्लिम हैं पता चलेगा। जी, आपका इस्तकबाल है सर, मॉडर्न मुस्लिम साहब। मॉडर्न मुस्लिम साहब, आपको आवाज आ रही है? यार, किसी और को मॉडर्न मुस्लिम साहब की आवाज आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। मॉडर्न मुस्लिम साहब, चलिए शायद इनके उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब तक हम ये शराय शाहरे यार एन चैनल, पता नहीं ये मुस्लिम है या नहीं, देख लेते हैं। जी जनाब, शराय अच्छा यार, जी सर, मेरा नाम शेरयार एन है। शहरयार। ओके शेर यार सर, मुस्लिम है आप? जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ और मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तो मैं चाह अच्छा, रही हूँ कि सॉरी मैं सॉरी थोड़ी सॉरी, मैं जी। मोहतरमा, क्या कहेंगी आप? देखें जी सर, मैं एक बात बताती हूँ। अल्लाह जी ताला जो है ना, अल्लाह ताला की जो डेफिनेशन है, वो हर चीज को जानता है, शुरू की भी और आखिर की भी। ठीक है, अगर जी वो किसी चीज को पैदा करता है ना, तो उसे अपने इल्म के लिहाज से पता है कि इस शख्स ने क्या काम करना है एंड तक। ठीक है, अच्छा, उसने उससे अच्छाई पहले भी। मोहतरमा, जी आप ये जी बता सकती है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप एक फीमेल है, लेकिन आप जुड़ी, और सब्जेक्ट भी ऐसा है कि आप, आपके तरफ से भी अपनी बात रखना जो है और हमें सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बता सकती है आप कहाँ से है और किस मसलक से आपका ताल्लुक है, ताकि यानी हमें समझ में आए कि किस तरीके से हम अपना सवाल आपके सामने रख सके। जी हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं मुस्लिम अच्छा हूँ और मेरा कोई जी, फिरका नहीं अच्छा, लेकिन ये मुझे एक नोटिफिकेशन आया था मोहतरमा कि पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वेस्ट की थी और मेरा चैनल वहां पे बैन हो गया है, तो आप यानी कैसे फिर आप ज्वाइन हो पाइए, क्योंकि वहां बैन है तो फिर वो दिखेगा नहीं, नहीं मैच बैंड आपका। कैसे हुआ? मैं, हाँ नहीं, मैं तो एक नॉर्मल हूँ, मैं तो यूट्यूब देख रही थी, तो एकदम लेकिन आपका आया, तो आपकी जो गुफ्तगू थी ना, मुझे अच्छी हाँ, लगी। लेकिन मुझे ये लगा, ये कोई सही मतलब जैसे होती ना कॉन्सेप्ट होता है एक मुस्लिम का और एक होता है कच्चे मुस्लिम का, तो मुझे ये लगा ये कहाँ से हो रहा है। तो मैं सोच मैंने फिर सुनती रही मैं, तो फिर मुझे लगा ये इंडियन है। तो ठीक है, मुस्लिम एक अपने रीजन के हिसाब से, उसके हिसाब से उसका माइंड होता है। हम जिस अच्छा। रीजन में रहते हैं या हमने जो पढ़ा है, मैंने कहा ना मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरा कोई फिरका नहीं है, यहाँ तो अच्छा अच्छा फिरके बना आज के बैठे ना। अच्छा, जी कोई मुश्किल नहीं मोहतरमा, कोई मुश्किल नहीं। आपका शुक्र गुजार हूं मैं कि आप जुड़ी। एक चीज तो ये है कि बैन लगने के बाद भी अगर वहां से लोग देख सकते हैं, तो बड़ा अजीब सा बैन है ये, लेकिन खुशी है कि वहां के लोगों को मेरा चैनल अब भी दिख रहा है। अच्छा, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं मोहतरमा। ये आप माइक बहुत ज्यादा शायद मुंह के पास आपने रखा है, सांसों की आवाज आ रही है, तो थोड़ा इसका कुछ आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। जी दूसरा जी, दूसरा जो आज का जो सवाल है कि जो मुकदमा हम चला रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि बुराई का पैदा करने वाला चूंकि अल्लाह है, अगर वो बिल्कुल बुराई है। पैदा ही नहीं, हाँ, अगर वो बुराई पैदा करता ही नहीं तो ये दुनिया काफी अच्छी होती। ठीक है, नहीं, फिर दुनिया ही नहीं बनती ना सर जी। देखिए जी, तो क्या जरूरत है दुनिया बनाने की? हाँ मैं बताती हूँ क्या जी असल में जो बेसिक चीज थी, अल्लाह को अपनी इबादत कराना मकसूद था, तो बिना अपनी बुराई के अल्लाह इबादत के इबादत नहीं लिए। करवा सकता था। एक पॉइंट टू पॉइंट हम देखिए चलेंगे,
पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ताकि हाँ बात ज्यादा लंबी भी ना हो और एक दूसरे का पॉइंट भी आ जाए। जी आप कह रही हैं कि अल्लाह ने दुनिया इसलिए बनाई ताकि वो इस दुनिया के जरिए से हमें अपनी इबादत करवाना चाहता था, सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या मिला अल्लाह को अपनी इबादत करवा के, क्या मिलेगा? आई एम सॉरी बाबू। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।